प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। 1 नवंबर से जिले के 127 केंद्रों पर शुरू हुई धान की खरीद एडीएम फाइनेंस और जिलाधिकारी ने कहा बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े किसान, सीधे धान क्रय केंद्रों पर बेचे अपना धान। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नॉर्मल स्टैंड के पास 28 अक्टूबर को 65,000 की टप्पेबाजी करने वाले एक अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1700 रुपए किए बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से उल्लास पूर्वक दीपावली मनाने की अपील, कहा जिला प्रशासन द्वारा पूरी है तैयारियां, हर्षोल्लास पूर्वक मनाए त्योहार। दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस व तहसील की टीम ने एक पटाखे की दुकान पर की छापेमारी, एसपी सिटी ने कहा पटाखों का सत्यापन कराकर की जाएगी कार्यवाही। जीडीए द्वारा धनतेरस पर 51,000 दियों से रोशन होगा नौकायन केंद्र, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने लोगों से दीपोत्सव में शामिल होने की अपील। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का कार्य 1 नवंबर से हुआ शुरू, जिलाधिकारी ने कहा 18 वर्ष पूरा कर चुके लोग फॉर्म भरकर अवश्य बने वोटर। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा मनाया जा रहा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का हुआ समापन, सीपीआरओ ने कहा रेलवे में नौकरी के नाम पर हो रही फर्जीवाड़े से बचे रहे जागरूक। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर निकाय अवस्थापना निधि की बैठक, अधूरे कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। जनपद में बाढ़ से हुई किसानों की क्षतिग्रस्त फसलें हेतु अब तक 9,735 कृषकों को कुल 2,54,10,296 रुपए का ई कुबेर कोषागार के माध्यम से किया जा चुका है भुगतान, एडीएम फाइनेंस ने कहा दीपावली के पहले सभी किसानों को मिल जाएगा क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा। जनपद में दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से है सतर्क, एसपी सिटी ने कहा बॉडी कैमरे से रहेगी स्थिति पर नजर, चलाया जाएगा चेकिंग अभियान। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जिलाधिकारी राजस्व व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा शुरू हो चुका है मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य, अपने बूथों पर जाकर करा ले अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज। 1 नवंबर से शुरू हुए यातायात माह एमपी बालिका इंटर कॉलेज में एसपी ट्रैफिक ने दीप प्रज्वलित कर किया यातायात माह का शुभारंभ, छात्राओं को किया ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 नवंबर से शुरू हुए सर्विस वोटरों का भी होगा मतदाता पुनरीक्षण कार्य, एडीएम फाइनेंस ने कहा दूर सर्विस करने वाले ऑनलाइन फॉर्म भर कर बन सकते हैं वोटर। महानगर में विभिन्न क्षेत्रों में लगाई गई टेराकोटा की दुकानें, डिजाइनिंग दियो के साथ लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमाओं की खूब हो रही खरीदारी। नए ढंग से नाव में बैठ कर की गई भाजपा युवा मोर्चा बिस्मिल नगर मंडल के कार्य समिति की बैठक, सदस्यता अभियान पर हुई चर्चा, क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा 2022 में प्रदेश में दोबारा बनेगी भाजपा की सरकार। दीपावली छठ सहित आगामी पूजा त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे चला रहा है विशेष पूजा स्पेशल ट्रेन, पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा गोरखपुर से कुल 16 ट्रेन तथा पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 64 ट्रेन हो रही है संचालित, यात्रियों से की अपील, कहा यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन, रहें सुरक्षित। सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 172 केंद्रों पर 15,345 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण, फर्स्ट डोज लेने वालों में 4,133 और सेकेंड डोज लेने वालों में 11,212 लोग रहे शामिल, सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और मानदेय की बढ़ोतरी तथा अन्य समस्याओं को लेकर 1 नवंबर से मतदाता पंजीकरण के डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने किया कार्य बहिष्कार, एडीएम फाइनेंस ने कहा डाटा एंट्री के लिए प्राइवेट कंपनी से हुआ है अनुबंध, होगी वार्ता।